तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं 11। और मम्मी पता नहीं यहाँ पे क्या कर रही है। मम्मी क्या कर रही हो? मैं खाना बनाने जा रही हूँ दोपहर का। तो है ना फ्रेंड, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे ही रहना। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटे बच्चों को मेरा बहुत प्यार। तो सुबह का नाश्ता हमारा बन चुका है। मटर की चाट बनाई थी मैंने और चाय के संग सब नाश्ता कर चुके हैं। मैंने भी सारा घर का काम कर लिया। दोपहर का खाना बना रही हूँ। थोड़ी सी ये देखिए मटर बची थी, इतनी मटर बची थी है। और ये तीन आलू ले लिए मैंने, हरी मिर्च है, प्याज है, एक लहसुन है बड़ा सा। अब मैं इसकी बनाऊंगी सब्जी। रोटी सेक के रख ली है और चावल बनाऊंगी। आप लोग फुल वीडियो जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, मुझे तो अपनी मम्मी का हाथ से खाना बना हुआ बहुत पसंद है। और किसको तो अपनी मम्मी का हाथ से खाना बना पसंद है कमेंट में जरूर बताना। तेल हो गया है गरम, मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, तो प्याज फ्राई हो चुका है, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन। अब इसमें डाल रही हूँ पिसे हुए मसाले, हल्दी, पिसी हुई धनिया, पिसी हुई मिर्च और नमक साथ में। मटर की चाट नहीं, मटर की चाट सुबह बनाई थी हमने। ये इतनी सी मटर बच गई थी। मसाला सारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें डालूंगी मैं आलू और ये मटर। मैं लगा दिया इसमें पानी। क्या कर रही हो? सब्जी छौंक दी है, उसके लिए गरम मसाला पीस रही हूँ। काली मिर्च है, लौंग है और हरी वाली इलायची, काली वाली इलायची, इससे छौंक लगाऊंगी उसमें। अच्छा, इसके अंदर मटर आलू में छौंक लगाऊंगी ना गरम मसाले का, तो और स्वाद आएगा। आंसू नहा के आ गए? हाँ। तैयार हो रहे हो? कहाँ जा रहे हो घूमने? सब्जी बन गई है, इसमें डाल रही हूँ मैं। देखो आगे यहाँ पे हरे धनिया डाल रही हूँ और अब इसको छौंकूंगी मैं गरम मसाले से। गरम मसाले से चावल बनाऊंगी, बस सब्जी और मटर आलू की छौंकूंगी बिल्कुल गरम मसाले से, परफेक्ट तैयार। सुनीता, क्या करने जा रही हो? बस मटर आलू की सब्जी को ना गरम मसाला से छौंकूंगी। अरे वाह, गरम मसाला छौंके सब्जी, वाह वाह, बहुत मजा आएगा। आयुष भाई, क्या कर रहे हो? बैठा हूँ। नहा धो के तैयार हो गए बेटा? ये सब्जी देखो छौंक दिया है, चावल बनाऊंगी। मेरी आंटी जी पैर में क्या लगा रही हो? मम्मी महावर लगा रहे हैं। महावर लगा रही है, यहाँ बैठी है भूरी। भूरी ऐसे कर दो हाय। हाय कह दो, लाइक कर दिया करो, लाइक कर दिया करो आंटी को, आंटी को। आओ भूरी के भी लगा दे रंग, भूरी के भी लगा दे, एक एक टीका लगाऊंगी। बहू के लगाई थी, लाओ यहाँ पे लाओ, वो वाला पैर भी दाओ, लाओ। ए छोटी छोटी कन्या के लग गया रंग, पूरे पैर सजा दूं तो मैं दुल्हन बना दूं अभी से। अब बड़ी हो जाओ तब तुम्हारे लगेगा पूरे पैरों में। दोपहर का समय है, हम लोग छील रहे हैं मूंगफली और इसकी बनेगी शाम को सब्जी। मूंगफली की सब्जी किसने किसने खाई है जरूर बताइएगा आप लोग, बहुत अच्छी बनती है। कच्चे मतलब कच्ची मूंगफली है ये। तो फ्रेंड्स, छिल चुके हैं सारे मूंगफली के दाने। और देखो अरिंद के पापा तो सो रहे हैं यहाँ पे, वो काम करके आए, वो तो सो गए हैं। सारे दाने छिल गए हैं। अब इसकी बनाऊंगी मैं सब्जी। थोड़ी देर में जब बनाऊंगी तब आपको इसकी रेसिपी जरूर दिखाऊंगी कैसे बनाई जाती है मूंगफली। तो जो मूंगफली के दाने मैंने छील लिए थे कच्ची मूंगफली के, अब इनको जा रही हूँ मैं भिगोने के लिए। उनको भिगो के शाम को इसकी सब्जी बनाऊंगी आप लोग। तो दोपहर का टाइम हो चुका है और अरिंद के पापा जब आए थे तो वो सो गए थे और अब उठे हैं, अब खाना खा रहे हैं। मेरा खाना बन चुका है
चावल बनाए थे मैंने, मटर आलू की सब्जी बनाई थी, और जो सुबह चाट बनाई थी वो इनको दी है। यारिन के लिए चाट है, यारिन भी खाना खा रहा है। और शाम को तो फ्रेंड्स देखिए मैं गई थी बाजार और वहां से क्या क्या लेके आई हूँ। करौंदा लाई हूँ जो कि कल की रेसिपी में आप लोग जरूर देखिएगा करौंदा की सब्जी कैसे बनाई जाती है। और ये टॉयलेट के पास का पायदान लाई हूँ, एक ये पायदान लाई हूँ, एक ये वाली बोतल लाई हूँ, और प्याज लेकर आई हूँ, चिमटी लाई हूँ, इसमें मैं अपने लिए नेल पॉलिश लाई हूँ येलो कलर की, और एक मुझे बहुत अच्छी पसंद आई थी अपने लिए कोटी सूट पे पहनने के लिए। फ्रेंड्स जरूर बताइएगा कैसी लग रही है। मुझे तो अच्छी लग रही है बहुत ज्यादा। आज कैसी लग रही है? सुंदर लग रही है बहुत। तो ये मैं अपने लिए ले आई हूँ, आप लोग बताइएगा कैसे। और फ्रेंड्स मम्मी मेरे लिए ना मोमोज भी लाई हैं, अभी प्लेट में से निकालूंगा, मोमोज लेकर आई हूँ, और अभी मैं इसमें प्लेट में निकालूंगा, उसके बाद हम लोग खाएंगे ना मम्मी, यहाँ के मोमोज खाएंगे एक बार। ये लाई हूँ फ्रेंड्स मैं आयुष के लिए मोमोज, ये है चटनी, और कितने बड़े बड़े मोमोज है आयुष, देखो आयुष लोग खा के देखो खिलाओ। तो फ्रेंड्स देख लिया कैसे है, मैं भी खा के देखूं। बहुत मस्त है। बहुत अच्छे मेमोज हैं ये। फ्रेंड्स मूंगफली के दाने सारे भीग चुके हैं और फूल के देखिए कितने अच्छे हो गए हैं, और इनको मैं सिल से हल्का हल्का सा कुचल लूंगी, ठीक है। तो ये देखिए मूंगफली के दाने मैंने ऐसे चटका लिए, और यहाँ पे दो आलू भी काट लिए इसमें मिक्स कर लिए हैं, और यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन का हल्का हसला कुचला कुचला सा मसाला करा है कूट के। तेल हो चुका है गरम मेरा, क्या करने जा रही हो? मैं प्याज लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। हाँ अब हल्दी, नमक, पिसी हुई मिर्च, पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला इसमें डाल दूँगी। मम्मी ने डाल दिया है। मूंगफली की सब्जी किसने किसने खाई है बताना जरूर आप लोग मुझे कमेंट करके। आपको मूंगफली की सब्जी कैसी लगती है? बहुत बढ़िया लगती है, गांव बनते हैं बहुत अच्छी लगती है मूंगफली सब्जी। कच्ची मूंगफली उखड़ के आती है, फिर उसको साफ करते हैं, फिर उसको छीलते हैं, फिर उसको सिल से कूटते हैं, फिर उसको बनाते हैं। अच्छा बहुत स्वाद बनती है। अब मैं आज बनाऊंगी आज तुम खाना। अब ये मसाला भून गया अच्छे से, मैं इसमें डाल दूंगी। अब मम्मी लगा रही है इसमें पानी, है ना मम्मी? अभी कितनी देर में रेडी हो जाएगा? बस दो सीटी आएंगी बन जाएगा। अच्छा फटाफट रोटी बस बनने वाली है मूंगफली की सब्जी। मुझे तो भूख लगी है बहुत तेज, बन जाएगा खाना। बस खाना मूली आलू की सब्जी बनके हो गई है तैयार, साथ में गर्मा गर्म रोटी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल बनाऊंगी करौंदा की रेसिपी, आप लोग जरूर देखिएगा। तब तक मैं खा लेता हूँ खाना।